अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राय मोहम्मद खालिद हयात और आप मेरा चैनल देख रहे हैं RMK व्लॉग्स एंड इन्फो। तो आज हम आपको इंतहाई पुरानी तकरीबन 1300 सदी से बनाई गई एक हिस्टोरिकल प्लेस है सुनार गांव, सुनार जादूगर गांव, उसका विज़िट करवाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है जो कि उस दौर के राजा की दारुल हुकूमत में थी। तो आओ चलते हैं सुनार जादूगर। ये जी सुनार जादूगर की बिल्डिंग है जो कि मशहूर आर्टिस्ट ज़ैनुल आबिदीन, जिसका ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ मुजस्मा, इन्होंने यहाँ पे ये पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई थी। तो उसमें 17वीं सदी के बाद जितने भी बांग्लादेश की पुरानी चीज़ें हैं, मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, पड़ी हुई हैं, तो वो इसमें रखी गई हैं ताकि पब्लिक इसको देख सके और हिस्ट्री को याद कर सके। ये देखें, जैसा कि ये देखें जी, ये देखें, ये आपके यहाँ पे ये खजूर के पत्तों से बने हुए छाबियाँ हैं, ये मिट्टी के बर्तन हैं। यहाँ पे जो है ना, ये एक कल्चर दिखाया गया है, पुराना कल्चर। यहाँ पे ये लोग जो है ना, वो आए हैं विजिट करने के लिए। अब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाते हैं, अब दिखाते हैं आपको अंदर से यहाँ पे क्या है। ये देखो, ये बैलगाड़ी, ये मेन एंट्री है। किसी की जा चली हुई ना, ये लकड़ी का दरवाजा है, पुराना बना हुआ है। ये देखें, लकड़ी का स्टैंड सा है। इसके बाद ये यहाँ का कल्चर दिखाया गया है। ये भी लकड़ी का दरवाज़ा है, लकड़ी पे कलाकारी की गई। ये हॉर्स है, यहाँ पे लकड़ी का बॉक्स है। बंगला में और ये राजा महाराजों की, ये भी लकड़ी की चीज़ें हैं। जो है ना, ये लकड़ी की चीज़ें रखी गई हैं मुख्तलिफ।
पुरानी 17वीं सदी के बाद की जितनी भी ये पुरानी नवादरात हैं यहाँ पे, ये रखे गए हैं, ये मुजस्मे रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें इसको बोलते हैं सुनार जादूगर। सेकंड फ्लोर पे जाने लगे हैं, ये कालीन लगे हुए बहुत प्यारे, बहुत शानदार, बहुत प्यारी सीढ़ियाँ। जैसे नीचे बिल्डिंग में वो दिखाया गया था, ये देखें प्यारे बहुत प्यारे दरख्त लगे हुए हैं वो साइड पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे कश्ती रानी हो रही है और लोग जो है ना इसको एंजॉय करने आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह, बहुत प्यारी जगह है और बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है ये। ये बहुत 13वीं सदी में जो है ना, 13वीं सदी के 7वीं दहाई में ये बिल्डिंग, ये जो जगह है ये बनाई गई थी, तो इस लिहाज से बहुत पुरानी है और उस दौर के राजा के ये दारुल हुकूमत था। ये सुनार गांव उस दौर के राजा का दारुल हुकूमत है। देखें वो लोग कश्ती रानी कर रहे हैं, ये देखें ये कश्ती रानी हो रही है। दिन का टाइम है, Hop on the show. ये जी बच्चों के झूले लगे हुए हैं, मतलब पार्क टाइप है वो, सामने जो है वो खाने की जगह है ये देखें, और ये झूले हैं, यहाँ पे बच्चे जो है ना वो झूले वगैरह लेते हैं, कुछ लोग अभी बड़े भी बच्चे भी। ठीक है जी, देखते हैं चलते हैं। ये इसको बोलते हैं, ये गोलगप्पों को बोलते हैं फुसका, और एक चटपटी होती है। ये ड्रिंक की शॉप है, कोल्ड ड्रिंक मिलते हैं, पानी मिलता है। ये फुसका, इसको बोलते हैं फुसका, चाटपुटी, ये चाटपुटी है और ये फुसका है। ये जो पानी होता है इसके लिए, गोलगप्पों का पानी ये है। ये देखें जी, ये भी माशाल्लाह ग्रीनरी है। ये देखें जी, ये ग्रीनरी लॉन सा बना हुआ है,
बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर माशाल्लाह। अल्लाह पाक की कुदरत है, इंसान की अकल है, कैसे सरसब्जा है माशाल्लाह, अल्लाह की शान है। जी तो नाज़रीन, आज हमने आपको विज़िट करवाया सुनार गांव के उस बिल्डिंग का जहां पे पुरानी चीज़ें रखी गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये सुनार गांव का पार्ट 3 था। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे पार्ट 4 में। वहां पे हम आपको एक इसकी मार्केट है उसका विज़िट करवाएंगे, और उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी उस आने वाली वीडियो का इंतज़ार करेंगे, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और हंसता बसता रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खालिद इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।